इस वक्त मुल्क में कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म का बहुत ज्यादा चर्चा है। झूठ ऐसे बोलते बोलते कि नॉट एवरीथिंग प्रिंटेड ऑन सेलुलॉइड इज सिनेमा, और दूसरी झूठ कि मुसलमानों को नौकरी में लगा दिया और हिंदुओं को हटा दिया। जगमोहन साहब वहां पहुंचे, जब यहाँ से गए थे 3 दिन तक वो वैली नहीं पहुंच सके थे, 3 दिन के बाद आए क्योंकि वेदर खराब थी। मौलाना मसूदी जो कि शेख अब्दुल्ला के साथ थे, उन 80 से ज्यादा उम्र था, उनके घर में जाके उनको मार दिया। फिल्मों में वैसे तो आता ही था, कम्युनिज्म को लाया ही जा रहा था, अब जब से आए हैं ये फिल्म मीडियम को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ओपनली और बहुत खुले तरीके से ये किया जा रहा है। तो एज ए फिल्म मेकर आप इस पर क्या कहेंगे? ये फिल्म के इस वक्त मुल्क में कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म का बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस फिल्म के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ख़ास मकसद के तहत तैयार की गई है, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये ना फिक्शनल ड्रामा है और ना ही डॉक्यूमेंट्री टाइप की फ़िल्म है, बल्कि एक ख़ास मकसद के ख़ास सियासी मकसद के तहत उसे बनाया गया है और पूरे मुल्क के थिएटरों में दिखाई जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि इस फिल्म को जो है मुल्क का वज़ीर आज़म भी जो है उसकी हिमायत कर रहा है, उसकी तायद कर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है तपन कुमार बोस साहब, जो वेटरन सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने कश्मीर को बहुत करीब से देखा है। और इनकी खूबी ये है कि जब कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई तो ये पहले शख्स थे वहाँ जाने वाले, वहाँ के हालात का जायज़ा लेने वाले। तो इन्होंने कश्मीर को बहुत करीब से मुशाहिदा किया है, और ये जो फिल्म आई है इस हवाले से भी उनसे बात होगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म क्यों बनाई गई है। तपन कुमार बोस साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप कश्मीर तकरीबन 30-35 साल से जाते रहे हैं, उससे ज़्यादा अरसे से जाते रहे हैं। उससे ज़्यादा, हाँ, 89 में जब वहाँ पर मिलिटेंसी जब शुरू हुई है। मैं तो 84 में वहाँ एक फिल्म बनाने गया था। जी, तो जाते रहे हैं। तो अब ये जो कश्मीर के हवाले से जो फिल्म आई है, कश्मीर फाइल्स जो आई है, तो उसको किस परस्पेक्टिव में देखते हैं, क्या है इसके पीछे? देखिए, जब हम लोग फिल्म बनाते थे तो उन दिनों में कहते थे फिल्म क्रिटिक्स कि नॉट एवरीथिंग प्रिंटेड ऑन सेलुलॉइड इज सिनेमा। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ प्रोपागेंडा बिगिनिंग टू एंड, एंड बैडली मेड प्रोपागेंडा। अगर प्रोपागेंडा भी खूबसूरत हो सकती है, दिलचस्प हो सकता है, पर ये वो नहीं है। इसमें लेक्चर है एक के बाद एक, और फैक्ट्स जो है गलत है, उसको डिस्टॉर्ट किया है। नहीं, डिस्टॉर्ट किया है, और जैसे कि आर्टिकल 370 के बारे में उनमें, उसमें जो कैरेक्टर का नाम है भूल रहा हूँ, अभी याद आया, कॉल, एक बड़ा अखरोट खेत का मालिक का कैरेक्टर है, उसका बेटा का नाम है सूरज, जिसको दिखाया कि एक मुस्लिम लड़की के साथ उसका मोहब्बत है। अब ये दीनानाथ, ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया अब्दुल्ला के साथ बैठ के, और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फोटो दिखाता है कि नेहरू कुछ साइन कर रहे हैं, गलत। ये जो है आर्टिकल 370, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उस वक्त पार्लियामेंट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। सवाल ये था, क्योंकि कश्मीर का जो एक्सेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, हाँ, और क्योंकि गवर्नर जनरल ने भी उसका लेटर ऑफ एक्सेशन लेते हुए ये कहा था कि अभी तो परिस्थिति ठीक नहीं है, वहाँ जंग है, जब हालात सुधर जाएंगे उस वक्त
हम वहाँ रेफरेंडम करेंगे कि आवाम कश्मीर का किधर जाना चाहता है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। कारण ये था कि जूनागढ़ का नवाब मुसलमान थे और जूनागढ़ के जो प्रजा लोग थे वो हिंदू थे, पर जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से एक्सिट कर, तो उसको हमने हिंदुस्तान में वहाँ रेफरेंडम करा के पुलिस फौज भेज के कि वहाँ पे दंगा हो रहा है, और बोले हमने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम से वो जो आवाम है वहाँ के जी, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाक कर लिया। तो ये सामने था, प्रेसिडेंट थी एक साम। तो हिंदुस्तान को भी यही कश्मीर के बारे में कहना पड़ा था, क्योंकि वहाँ के जो मेजॉरिटी है वो सब मुसलमान थे और राजा हिंदू थे। तो ये एक सिचुएशन था। उसके बाद जंग हो गई, उसके बाद यूएनओ में चला गया। तो सवाल ये था कि कश्मीर को जब तक मामला सुलझता नहीं है और ठीक से सेटल नहीं हो जाता है, तो कश्मीर को हिंदुस्तान का कैसे जोड़े। तो जोड़ने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया, वो है आर्टिकल 370। वो आर्टिकल 370 में जो कंडीशंस थे वो बेसिकली जो महाराजा ने लेटर ऑफ एक्सेशन में लिखे थे कि ये चार सब्जेक्ट में सिर्फ, और बाकी मामलों में यहाँ जो हमारा जो व्यवस्था है, जो गायन कानून है, वो जारी रहेगा। तो यही सारे बातें थी, स्टेट सब्जेक्ट लॉ, जिसके तहत कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट के अलावा और कोई यहाँ वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। वो तो महाराजा का बनाया हुआ कानून था, नेहरू जी ने बनाया था, और नेहरू जी एक्चुअली थे नहीं उस वक्त। और फिल्म में बताया, इस तरह फिल्म में बताया कि पंडित नेहरू जी ने बताया। हालांकि सरदार पटेल की सहमति से, क्योंकि नेहरू उस वक्त कहीं विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने सरदार से कहा कि आप इसको सुलझ लीजिए। तो वीपी मेनन और अब्दुल्ला ने मिलकर के इसका ड्राफ्ट किया, वो सरदार के सामने पेश हुआ, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। और सरदार ने उसको कुछ चेंजेस किए, रिवाइज किए, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पेश हुआ और वो पारित हो गया। तो आर्टिकल 370 का जो असली इतिहास है ये है। अब फिल्म में बताते हैं कि पंडित जी ने बना दिया अब्दुल्ला के साथ बैठ के। अच्छा, फिर आगे चल के बोलते हैं कि अब्दुल्ला ने इसलिए किया ताकि उसके बाद वो सारा कश्मीरी पंडितों का जमीन हड़प करके मुसलमान को दे देगा और मुसलमानों का खुला रहेगा, हाँ, और जितनी ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं वो करेगा वगैरह, बकवास। कश्मीर एकमात्र जगह है इस देश में जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हुआ था। ये कांग्रेस का प्रॉमिस था ना जी, है ना, कि खेतिहर किसान को हम जमीन बांट देंगे, हाँ, और वो गांधी जी का भी था, वो विनोबा भावे भी था, भूदान किए थे, है ना जी। अब्दुल्ला ने कर दिया था, अब्दुल्ला जी ने वहाँ राजा के टाइम पे बड़े बड़े जमींदार थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे जी, हाँ, इनके पास राजा ने बहुत सारे जमीन दे। तो अब्दुल ज़्यादा, अभी ये प्रेमनाथ बजाज किताब पढ़ लीजिए जी, ये कश्मीरी पंडितों की किताब है, अब बामजाई साहब की किताब पढ़ लीजिए कि कश्मीर के जो मुसलमान किसान था उसका हालत क्या था, और जो गरीब हिंदू किसान था उसका भी हालत। तो ये जब इन्होंने
अब्दुल्ला जी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि वहाँ उन्होंने लैंड रिफॉर्म ले आया, लैंड रिफॉर्म ले आया। वैसे ही हाँ वो जो कर्जे कर्जा भी माफ करा दिया। अब फिल्म में क्या बताता है कि हिंदुओं का जमीन हड़प करके मुसलमानों को दे दिया। हिंदू जो क्या कहते हैं ये जो मानी पैसे की लेन देन वो बनिया, बनिया, हाँ बनिया, हिंदू बनिया का पैसा हड़प लिया क्योंकि बोला ऋण माफ हो गया। अरे आपको और हमको मालूम है कि गांव में या छोटे जगह में ये जो लाला जो कर्ज देता है किस रेट पे देता है, कैसे देता है और उंगली का ठिप्पा लेता है। अनपढ़ लोग हैं, उनका तो मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन अब बंधुआ रहता है। सूद में मतलब 10 रुपया का तो लाखों हो जाता है। तो उन्होंने माफ करा दिया, बोले बहुत खा लिया तुमने, अब नहीं जाएगा एक पैसा। तो उसको भी इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन जो भी किसी भी सरकार को हिंदुस्तान को हर स्टेट में करना चाहिए था। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे एक ही बार हुआ जो मिसेस गांधी इमरजेंसी के दौरान करती थी, एक ही बार कि जितना पैसा सब माफ, कोई वापस नहीं करेगा। इमरजेंसी लाके कर पाई थी, नहीं तो नहीं कर पाई। तो अब्दुल्ला ने कर दिया था उस वक्त। तो मतलब कि हर चीज जो भी एक पॉजिटिव सबके लिए था उसको वो। और दूसरी झूठ कि मुसलमानों को नौकरी में लगा दिया और हिंदुओं को हटा दिया। वो मैंने 1990 में वहाँ का स्टेट सेक्रेटेरिएट से फैक्ट्स निकाले थे, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, और जो EPW का मार्च 1990 का इशू में है सारा डिटेल। EPW मींस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का। इस वजह से कह रहा हूं जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, वो EPW से परेशान हो जाए, जो वीकली मैगजीन है। और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आप जानते हैं जी, बहुत मशहूर रिसाला है और रिस्पेक्टेड जर्नल। तो उसमें हमने सारा दिया था और बहुत साफ आता है। मैं 1988, 89 और 90 के फिगर्स कि हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पूरा कश्मीर में 8-10% था और नौकरी में स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में उनका 48% 48% था, यानी 48% जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में कश्मीर में उनका 60% यानी यू मीन दैट पूरा के पूरे जो है सर्विसेज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को जो है तो सेंटर हो या उसका तो, कारण यही है पहले से, आज नहीं पहले से। मुसलमान नवाब के टाइम पे भी कश्मीरी पंडित, क्योंकि कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे थे, हाँ जी, कश्मीरी पंडित को मैनेजमेंट आता था तो इसलिए कश्मीरी पंडित ज्यादा आगे थे। अच्छा जब मतलब शारदा में लिखा जाता था पहले जमाने में जी, उसके बाद जब मुसलमान सुल्तनत आ गया तो कश्मीरी पंडित सबसे पहले फारसी सीखा और उसलिए उनको कारकुन पंडित कहा जाता था। कारकुन पर कारकुन जी, और कारकुन पंडित ही सारा नौकरियां जी। लॉरेंस जो कश्मीर में एक बहुत साल तक गए और काम किए, किताब भी लिखे, लॉरेंस की किताब में आपको मिलेगा कि पंडित लोग कैसे आमला शाही पे एकदम अपना कब्जा करके रखे थे और पर्टिकुलरली लैंड कंट्रोल, लैंड रेवेन्यू उस समय। तो ये झूठ ऐसे बोलते बोलते अपने उसमें वो खुद फंस जाते हैं जी।
खुद अब इनका मनोवृत्ति ये हो गया कि सब कुछ मुसलमान खा गए हमारे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंडितों के साथ 89-90 में जुल्म नहीं हुआ, हुआ और पर ये जैसे कह रहे हैं कि जेनोसाइड, वो झूठ है। कुल मिला के 230 या 260 के करीब पंडित वेट किल्ड। जो रेप की बात करते हैं, हम जब जम्मू में पंडित कैंप में गए थे, उन्होंने हमसे 3 केसेस की बात की थी, उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया था वापस जाके, उसमें एक ही सच निकले, एक ही सही था आउट ऑफ द 4, और ये तो लाखों की तादाद में बताते हैं हुआ है। जब ऐसे दंगा फसाद होते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना किसी को देना चाहिए। सच्चाई ये है कि पंडितों के साथ उस वक्त काफी जाती हुई, कारण हम बता सकते हैं, वो भी बताते हैं, पर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे आज रूस यूक्रेन पर कर रहा है, ये हमलावर जो है वो हमलावर है, वो खूनी है, इस पर कोई हम लोगों को पर ये जो एक दंगा फसाद हो गया, आप डर गए, आप अपना घर छोड़ के चले गए, अगर आपको वापस जाना है, वही आप कहते हैं आपकी जमीन है, और है कश्मीर पंडितों का भी उतना है जितना मुसलमानों का है ना, तो उसके लिए तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जैसे ये देखिए यूक्रेन का क्या हाल है, यूक्रेन का सारा वेस्टर्न कंट्रीज मिल करके उसको आगे उचका रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, उनको तो कुछ नहीं, वो पुश कर रहा है, मारे कौन जा रहे हैं, यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं, 30 लाख लोग बेघर कहाँ से हुए, यूक्रेनियन। तो वही हालत, ये आकर के बीजेपी और आरएसएस के गोद में ले लिए और उनकी बातें कहने लगे, उनकी भाषा कहने लगे, हाँ उनके जैसे सोचने लगे, पर बीजेपी आरएसएस को तो उनके लिए दिल में तो कुछ था नहीं, वो एक पॉलिटिकल यूज़ किया। आज तक बीजेपी ने उनको क्या दिया, ये उनको सोचना चाहिए। अच्छा ये मैं आता हूँ सर उसके ऊपर, ये तो लास्ट में कंक्लूड करते थे, ये जो आप कश्मीर के बारे में एक अथॉरिटी माने जाते हैं, बहुत लोग आपसे बहुत कंसल्ट करते हैं, हम जानते हैं आपने बहुत काम किया है, तो ये बताइए कि आप 89 से वहाँ पर, यानी 84 शुरू किया फिल्म बनाने, 89 से जाना शुरू किया, अब ये बार बार आता है कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, ये थ्योरी जो है बहुत ही आम हो गई है। जगमोहन साहब उस वक्त जो है गवर्नर थे, और कहा जाता है कि भाई पूरा फैसिलिटेट किया गया उन लोगों को लाने के लिए, तो इसकी क्या हकायक क्या है ये, क्योंकि देखिए हमने भी इसको काफ़ी जहाँ तक हो सकता है, और सरकारी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, वजायद हबीबुल्ला, के एन पंडित, क्या नाम है उनका, अशोक जेटली जी, सबसे आम, और इनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे थे, हिंदाल तो चीफ सेक्रेटरी रहे, मैंने सबसे बात की उस वक्त से, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है ये है कि वजाहत हबीबुल्ला उस वक्त कश्मीर डिवीजन के कमिश्नर थे। जब गवर्नर जगमोहन साहब वहाँ पहुँचे, जब यहाँ से गए थे 3 दिन तक वो वैली नहीं पहुँच सके थे, 3 दिन के बाद आए क्योंकि वेदर खराब थी, वजाहत हबीबुल्ला ने ये लिखा है और रिकॉर्ड में है कि
मैंने गवर्नर साहब से ये कहा कि ये जो हो गया इसको रोकना चाहिए अभी और फैलाना नहीं चाहिए, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी के जो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग और जो लीडर्स हैं, कुछ उलेमा के लोग हैं, उनको लेकर के एक कमेटी बनाते हैं और पंडितों के साथ बैठ करके इसके आपस में, गवर्नर साहब ने सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हालात बहुत खराब है, आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग सिक्योरिटी टू द कश्मीरी पंडित्स, लेट देम गो, और उसको फैसिलिटेट अगर ट्रक देके नहीं किए कर किया ये कि जो भी कश्मीरी सरकारी मुलाजिम पंडित कश्मीर छोड़ के जम्मू या कहीं भी जाएगा उसका नौकरी, उसकी सैलरी, उसके हर फैसिलिटी बरकरार रहेगी। एक तरह का ये लालच था, ये डेट वाज हाँ। और कैंप बनाए गए, मैं गया कैंप में गीता भवन में जम्मू में, मैनेजमेंट किसके पास था? आरएसएस। तो दीज आर द फैक्ट्स। दूसरा जो वैली में तो ये कई पंडित जी ने हमसे कहा कि सनत नगर में एक दुकान, बड़ा दुकान के मालिक पंडित साहब, जब मैं उनके घर गया, हम लोग गए, तो उन्होंने कहा मेरे भाई जो है उसका बगल वाला कुछ शाम को बैठे बातचीत किए, रात को खाना खाए, वो अपने घर में सोए, हम अपने घर में सोए, सवेरे उठ के देखा कि घर खाली है, ताला बंद है। और ये कई जगह हमने रात को छुप करके निकल गए, कैसे ये फैसिलिटेट हुआ? वो बड़े खतरे वाले दिनों थे, बस सर्विस भी नहीं ठीक था, श्रीनगर जम्मू बस सर्विस भी ठीक नहीं था और काफी प्रॉब्लम्स थे। तो 80,000 के करीब, ये जो लाख कहते हैं ये गलत है, 80,000 के करीब निकला, बच्चे बूढ़े तो कैसे चले पैदल पैदल तो जाए। और वो इतना कड़क विंटर था जी, मार्च के महीने में भी इतनी इतनी बर्फ जमी हुई थी। हाँ तो यू मीन दैट तो हाँ, कुछ इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सही, एक डिजाइन के तहत हो रहा था, ये साफ था, डिजाइन के तहत था, जो भी था मतलब कि फैसिलिटेट किया, तो किया गया, जो भी जाना चाहते थे उनको फैसिलिटेट किया गया। और जैसे कि देखिए, जब कहा गया कि अच्छा ये आप यहाँ का स्कूल टीचर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप जम्मू चले जाएंगे वहाँ घर बैठ के आपको तनख्वाह वगैरह सब कुछ मिलेगा, यहाँ खतरा है, डर है, सो भी था। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन काफ़ी ताकतवर हो रहा था, वहाँ पे कई ग्रुप थे उस वक़्त, अब तो नहीं है, अल्लाह टाइगर करके एक था, एक कुछ और जमीतुल मुजाहिदीन होता था, तो ये ग्रुप्स जो हैं इन्होंने भी काफ़ी दहशत फैलाया, पोस्टर वोस्टर लगा दिए, कई मस्जिदों में रात को ऐलान भी किया चले जाओ नहीं तो खतरे में हो तुम्हारा जान वगैरह वगैरह, ये हुआ। अच्छा तो ये हुआ। हालांकि उस वक़्त कश्मीर के जो अखबार थे अलसफा वगैरह, उसमें कई कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित भी रोज लिखते रहे उन दिनों में कि हमको जाना नहीं चाहिए, हमको ओपनली बैठ के बात करना चाहिए,
मोहल्ले में जहाँ हम सदियों से जनरेशन में रहे, हमारा पड़ोसी ने हमारा देखभाल किया, हमने पड़ोसी का देखभाल किया, हमको बातचीत करके इसका सुलझाना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि दोनों तरफ से एकदम रास्ते बंद हो गए थे, नहीं ब्रिजेस बंद नहीं हो गए, ब्रिजेस खुले हुए थे। दूसरी बात यह है कि मुसलमान भी खतरे में थे जी। 40,000 के करीब कश्मीरियों को मिलिटेंट्स ने मारा, उसमें 85% मुसलमान, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। 80,000 निकल आए थे, 1,00,000 से ज्यादा मुसलमान भाग, क्योंकि जब उन्होंने प्रोफेसर वानी और वाइस चांसलर और डॉक्टर रियास पंजाबी है इंक्लूडिंग क्या बात करते मिरवाइस को मार जी, बूढ़ा मौलाना मसूदी, मसूदी को मार दिया, मौलाना मसूदी जो कि शेख अब्दुल्ला के साथ थे, उन 80 से ज्यादा उम्र था, उनके घर में जाके उनको मार दिया। लोन को किसने मारा जी, अब्दुल गनी लोन को जी। तो इनकी बात नहीं होती है, इन्हें सो कमनल टर्न दिया गया है, किलिंग को भी कमनल टर्न दिया। और जो मुसलमानों ने जो मुसलमानों के ऊपर मिलिटेंट्स ने जो जातियां की हैं, जो दहशतगर्दी का हालत था, सबसे ज्यादा तो उन्होंने मुसलमान को मारा। क्यों? क्योंकि ये गद्दार है, वही था कश्मीर पंडितों को मारा। तो ये जो आपने असफा में जो लेटर छपा था, जो वो जो वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल पंडित्स थे कि भाई हमसे गलती हुई, ये हुई है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। वो जो आया है लेटर कि भाई ये जगमोहन साहब ने हमको जो है तो लालच दिया, ये दिया, जो देखिए आजकल बहुत चल रहा है वो कि लिखा था उन्होंने, एक ग्रुप ऑफ पंडित बारामूला में वापस चले गए थे, उन दिनों की बात करें 93 या 92, जब वो गए वहाँ, मैं भी गया वहाँ, क्योंकि हृदयनाथ वर्चू साहब कश्मीरी पंडित जो कि कभी नहीं छोड़ा और उनको भी मिलिटेंट्स ने मारा था, तो वर्चू साहब ने मुझे फ़ोन किया दिल्ली में कि तबंदी आप एक बार वहाँ चले जाइए, देखिए क्या हो रहा है। मैं नहीं जा सकता और कोई जाएगा नहीं, तो मैं चला गया, उनके साथ बैठा, बातचीत किया। एक मुश्ताक साहब थे जो डीसी थे वहाँ के, उनको मैं पहले भी जानता था, वो कश्मीर हैंडलूम कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिस वक़्त मैंने कश्मीर सॉल पे एक फिल्म बनाया था, तो वो वहाँ डीसी थे, तो मैंने उनसे भी बातचीत की। ये लोग कह रहे हैं ये जो कम्युनिटी है ये जड़ी बूटी वगैरह जंगल से लाके उसके दवाई ववाई बनाते थे, तो काफ़ी मशहूर कम्युनिटी था। तो गए तो बोले हमारा सब कुछ महफूज था, कोई कुछ नहीं है, हाँ हमारे साथी लोगों ने हमारा सब संभाल के रखे थे, हम आ गए तो हमें तो देखिए हमको तो कुछ भी नहीं, खाना भी ये 4-5 दिन से मेरे घर में खाना भेजते सब। फिर वहाँ हिजबुल मुजाहिदीन वाले आ गए और उन्होंने इनसे कहा कि आप को ये इंडियन स्टेट को डिनाउंस करना पड़ेगा और कश्मीर की आज़ादी के साथ अपने आप को। तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे कर सकते हैं, हमारे भाई लोग वहाँ, तो हम सब अपनी बिरादरी से, और ये तो ठीक नहीं है, हम कुछ पॉलिटिकल बातें तो कर नहीं रहे, हम आ गए, हमारा घर है। तो मैं मिला उनसे, एक्चुअली उन्होंने मेरे को एक दिन बंद भी रखा। अच्छा। और
कहा नहीं, हमारे अमीर ने कहा है कि इनको ये करना पड़ेगा, नहीं तो इनको इनसे जाना पड़ेगा। मैं गिलानी साहब से बात किया फोन पे कि गिलानी साहब ये तो मुश्किल है, फिर इन लोगों को वापस जाना जरूरी है और कोई रास्ता नहीं रहेगा और ये बहुत गलत मैसेज हो जाएगा। गिलानी साहब ने मैसेज कहा कि तपन जी आपने गलत किया, अपने आप को खतरे में डाला, आप वहाँ क्यों चले गए? तो मैंने कहा नहीं है, मैं खतरे का तो मुझे तो कोई खतरे का एहसास है नहीं, ये लड़के जो हैं ये भी दे वेरी वेरी पोलाइट वेरी जेंटल पर हाँ दे वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देन आई टोल्ड मुश्ताक, मैंने कहा साहब आप इनको घरों से निकाल के हाँ कि कहीं तो और क्योंकि खतरा है। सो दैट वॉज डन, मैं चला गया वापस। मैं ये बता रहा हूँ हाँ, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ जी जी काफ़ी कट, क्योंकि उसके लिए हो गया था ना कि जम्मू में बैठ करके कश्मीरी पंडित के एक ग्रुप जो पनून कश्मीर, हाँ पनून कश्मीर हमारा कश्मीर हाँ, जो है पनून कश्मीर हाँ, वो अलग से अपना हाँ, कश्मीर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने उसका जैसे के एन पंडिता उनके एक लीडर थे, इतना गाली गलौज और सारा मुसलमान कौम बदमाश है हाँ, ये तो कश्मीरी पंडितों का खून करना चाहता है, सारा कश्मीरी पंडित को निकालना चाहता है ये। तो उस हालात में उनका भी अब दोनों तरफ जैसे हाँ, जैसे आज यूक्रेन का हालत है जी जी वही हाँ कैसे हाँ, कोई तो सर आप जानते हैं कि फिल्म एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है और पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे पास लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर पहले से उनके वो बैगेज कैरी करते हैं, प्रेजुडिस कैरी करते हैं। तो ये जो फिल्म बनी है तो जाहिर बात है यानी इग्नोरेंट लॉट है हमारे पास, ज़्यादा जो है यानी कहेंगे बाशऊर वेल अवेयर जो है वेल एजुकेटेड पीपल बहुत कम है। तो अब ये इसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे मुल्क में जो है, जिस तरह से एक फिल्म को अब फिल्म का मीडियम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब फिल्मों में वैसे तो आता ही था, कम्युनिज्म को लाया ही जा रहा था, अब जब से आए हैं ये फिल्म मीडियम को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ओपनली और बहुत खुले तरीके से ये किया जा रहा है। तो एज ए फिल्म मेकर आप इस पर क्या कहेंगे, ये फिल्म के हवाले से इसको किस तरह से काउंटर भी किया जा सकता है? नहीं आई थिंक इट्स कम्प्लीटली इरेस्पॉन्सिबल, अनएथिकल फॉर एनी फिल्म मेकर एनी वन टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ए फिल्म मेकर नोज दैट फिल्म का ताकत कितना है। दूसरी बात यह है कि जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं जो मिडिल क्लास के लोगों का, उसमें आप देख रहे हैं कि इस फिल्म के बारे में कोई उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये तो फिल्म ही नहीं है। पर हाँ इसका इम्पैक्ट मैंने देखा, फिल्म देख के बात कर रहा हूँ, इसमें जो सीन्स हैं जो दंगा का कत्लेआम का अल्लाह अकबर तो, और ये जो पाकिस्तानी एजेंट है वो दारू पीता है, पर जब कश्मीरी मौलवी साहब ने कहा आप ऐसे शराब तो हराम है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सुअर नहीं खाते दारू पीते तो हम आधा मुसलमान, इस किस्म के डायलॉग गालिब का वो है हाँ। तो तो इस सब से ये जो इसका जो इम्पैक्ट होगा और माहौल जो बीजेपी ने बना दिया है हाँ, ये आर्टिकल 370 और कश्मीर को हमने ले लिया और
उसके अलावा आगे देखिए गौ हत्यार ये सब जो एक एकदम कम्युनली सरचार्ज एटमॉस्फेयर में उसके बीच में ये छोड़ दिया। इसका बिल्कुल पॉलिटिकल, इसका और कुछ नहीं है। और नहीं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जी कहते हैं इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, वो जेब देता है क्या उनको, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री ही इज प्रोपगेटिंग एजुकेटिंग। अच्छा, और हर बीजेपी स्टेट में इसकी टैक्स फ्री किया जा रहा है। और दिल्ली में आप गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया तो किस तरह उसके पीछे पड़ गए। तो ये तो एक डिलीबरेट मूव है, इट्स पार्ट ऑफ बीजेपी आरएसएस का गेम प्लान कि कम्युनलिज्म को और मुसलमानों के बारे में एक हेट्रेड। और इनका जो पूरा थीसिस है ना कि अगर ऐसा चलेगा तो बाई 1950 हिंदुस्तान में हिंदुओं का तादाद कम हो जाएगा और मुसलमान बढ़ जाएंगे। हाँ, तो उस फिल्म में भी वही वही मैसेज दे रहा है। तो सर अब ये इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, ये जो सूरत हाल है, और उसी से मैं जुड़ा हुआ क्योंकि आप कश्मीर का बहुत अच्छा वो है, 370 को जिस तरह से हटाया, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है 5 अगस्त 2019 को जो किया, और कहा जाता है तो दुख की बात है कि रवाना साहब इतना कुछ कर रहे हैं पर इसमें वो हालांकि जो बेंच बनी थी वो उन्हीं उसका वही है हेड, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। अब क्या बताओ, इज ए गुड जज पर लगता तो ये है कि कोई पीछे से कोई वजह हो वो खींच रहा है कि वो इसको इस केस को सुनवाई नहीं कर रहा। तो अब जो कश्मीर का जो वो है सीनियर है, आप किधर देख रहे हैं जो है, क्योंकि जो एक मेन स्ट्रीम पार्टीज थी वहाँ पर, प्रो इंडिया पार्टीज थी, उनको भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। अब जो पुल था हमारे लिए वहाँ पर, वो पुल रहा नहीं है। तो आप किधर देख रहे हैं, अब ताकत के बल पर कब तक? देखिए 70 साल ताकत के बल पर नागालैंड को दबा के, हाँ, नागालैंड में भी वही नागालैंड स्टेट बना दिया, हाँ, सिर्फ थोड़ा सा नागा और बाकी नागाओं का छोड़ दिया। कुछ मणिपुर में आज भी तरस रहे हैं, कुछ असम में, कुछ अरुणाचल प्रदेश में, और ऐसे सब कुछ करने के बाद आखिर में उन्होंने फिर बातचीत शुरू की। और क्यों? क्योंकि जनरल शंकर चौधरी ने नरसिम्हा जी को कहा कि ये नहीं हो सकता है, आप लोग पॉलिटिकल डायलॉग कीजिए, नहीं तो इसका आर्मी के ऊपर भी काफ़ी डिमोरलाइजेशन। तो ये हमारे सामने है। अब दो चीज़ हैं, पाकिस्तान जो फैक्टर बन गया है और पाकिस्तान पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है, कश्मीर में जो नेशनलिस्ट सेकुलर मूवमेंट था उसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म करके, हालांकि आज भी मैं यकीन से कह सकता हूँ आज भी अगर कोई वहाँ फ्री एंड फेयर रेफरेंडम होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वैली कहेंगे हमें आज़ादी चाहिए, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान। उसका बहुत पुराना कल्चरल रूट्स हैं, इतिहास है, और वो तो हिंदू राजा भी वही चाहता था जी। तो ये कश्मीरी के मैं कहता हूँ डीएनए में ये है। अब इसको आप कितना देर तक
मार के वो कब कब तक करोगे। एक रोज तो आप भी थक जाओगे, बट जब तक इतना एलियनेशन हो जाएगा, इतना एलियनेशन हो जाएगा कि कश्मीरी फिर हमसे बात ही नहीं करेगा, बहुत दुख की बात है। उनके लिए भी लॉस, हमारे लिए भी लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया तपन कुमार बोस साहब, आपने कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में जो कुछ भी मालूमात उस हवाले से हमारे नाज़रीन के सामने पेश की, बीट बाय बीट ग्राफिकली आपने सब पूरी तफसीलात बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे मशहूर फिल्म मेकर, फिल्म साज, हुकूक़ इंसानी के कारकुन और सहाफ़ी तपन कुमार बोस साहब, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स का पोस्टमार्टम करते बताया कि ये सरासर झूठ का पुलंदा है और इसके बड़े मनफी असरात मुल्क पर हो सकते हैं। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।